फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद तब्बू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वॉफल्स की रेसिपी, जो कि एगलेस हैं और इनका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसे हम मार्केट में खाते हैं। स्पेशली बच्चे इसे काफ़ी पसंद करते हैं और 10 मिनट के अंदर आप इन टेस्टी वॉफल्स को बना सकते हैं। तो चलिए इन वॉफल्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बोल में एक कप मैदा लें और इसी के साथ इसमें 1/4 कप यानी 1/4 कप चीनी का पाउडर डाल दें। अब इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। जितनी क्वांटिटी में हमने बेकिंग पाउडर डाला है उसकी आधी क्वांटिटी में हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, जिसको मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। तो 1/8 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, बटर या घी डाल दें। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें डाल सकते हैं, बस इसमें सरसों का तेल या फिर ग्राउंडनट ऑयल को अवॉइड करें क्योंकि इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस भी डाल रही हूँ, यह ऑप्शनल है, पर इसे ऐड करेंगे तो इन वॉफल्स में बहुत ही बढ़िया खुशबू और टेस्ट आएगा। 1 कप दूध डाल दें इसमें, जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ये गर्म या ठंडा ना हो। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लें। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इस बैटर में कोई लम्प्स नहीं है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, ना ये बहुत पतला है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। बिल्कुल इसी तरह का बैटर हमें चाहिए वॉफल्स को तैयार करने के लिए। इस बैटर को रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, मिक्स करने के फौरन बाद ही हम इसको बना सकते हैं। वॉफल मेकर के दोनों साइड्स पर थोड़ा सा ऑयल, घी या बटर से इसको ज़रूर ग्रीस कर लें, इससे वॉफल क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं और वॉफल्स पर अच्छा सा गोल्डन कलर भी आता है। अभी हम इसमें बैटर नहीं डालेंगे, इसको बंद करके हमें इसको प्रीहीट करना है। तो पावर ऑन करके मैंने इसे प्रीहीटिंग मोड पर लगा दिया है। जैसा आपका वॉफल मेकर है उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप इसको प्रीहीट कर लें। ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, इसका मतलब है कि वॉफल मेकर अब प्रीहीट हो चुका है। बैटर को एक बार चम्मच से मिक्स कर लें और इस तरह के चम्मच या लैडल से बैटर को वॉफल मेकर में डाल दें। बैटर को जिस तरह से मैं सेंटर में डाल रही हूँ उसी तरह से इसको सेंटर में डालें, यह अपने आप ही चारों तरफ फैल जाएगा। चम्मच से इसको इवनली स्प्रेड करें और बहुत ज़्यादा बैटर इसमें ना डालें, वरना ये वॉफल मेकर से बाहर आ सकता है। इसी तरह से दूसरे साइड भी बैटर को डाल दें। केयरफुली बंद कर दें इस वॉफल मेकर को। अभी ये ग्रीन लाइट ऑन है, थोड़ी देर बाद ये ऑफ हो जाएगी। जब ये वॉफल बन जाएगा तो ये दोबारा से ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। आप अपने वॉफल मेकर के हिसाब से इन वॉफल्स को बना लें। अगर आप इस वॉफल मेकर का रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई कार्ड पर क्लिक करके इसका रिव्यू देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वॉफल्स कितने बढ़िया लग रहे हैं और ये परफेक्टली कुक हो चुके हैं। अगर आपको इन पर और ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर चाहिए तो इनको वॉफल मेकर में कुछ देर और पका लें। अगर आपको सॉफ्ट वॉफल्स पसंद हैं तो इनको एक प्लेट में निकाल लें। अगर आपको क्रिस्पी वॉफल्स खाना पसंद है तो इस तरह के वायर रैक में इनको निकाल लें। थोड़ी देर अगर आप इनको इस तरह के जालीदार रैक में रखेंगे तो ये वॉफल्स क्रिस्पी हो जाएंगे। जितना बैटर हमने बनाया है उतने में इतने साइज़ के 4 वॉफल्स हम बना सकते हैं। इन वॉफल्स को आप आइसक्रीम, हनी, चॉकलेट सिरप या फिर व्हिप्ड क्रीम और फ्रूट्स के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको इन चीज़ों के बिना भी खा सकते हैं, तब भी ये उतने ही टेस्टी लगेंगे। मार्केट में ये काफ़ी महंगे मिलते हैं और आपने देखा कि हमने 10 मिनट के अंदर ही कम खर्च में इन वॉफल्स को बना लिया है। आप लोग भी इन टेस्टी वॉफल्स की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।